हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन। द क्वेश्चन सेज इन क्लास 11th ऑफ ए स्कूल 40% ऑफ स्टूडेंट्स स्टडी मैथमेटिक्स, 30% स्टडी बायोलॉजी, 10% ऑफ द क्लास स्टडी बोथ मैथमेटिक्स एंड बायोलॉजी। इफ ए स्टूडेंट इज सेलेक्टेड एट रैंडम फ्रॉम द क्लास, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट ही विल बी स्टडिंग मैथमेटिक्स और बायोलॉजी। सो और वर्ड से हमने यहाँ पे आइडेंटिफाई किया कि ये यूनियन है, और प्रोबेबिलिटी की बात चल रही है तो इसमें की कॉन्सेप्ट में फॉर्मूला सबसे पहले देख लेते हैं जो यहाँ पे अप्लाई होने वाला है। तो ये फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई होता है, ए यूनियन बी, जो हमें फाइंड भी करना है, दैट इज इक्वल टू पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। तो यहाँ पे ए और बी को हम रिप्रेजेंट कर देते हैं, मान लेते हैं कि ए मैथमेटिक्स के लिए है इवेंट, और बी जो है वो रिप्रेजेंट करता है बायोलॉजी, राइट। तो अब गिवन डेटा को लिख लेते हैं, यही हमारा की कॉन्सेप्ट भी है। सो यहाँ पे ऑलरेडी डेटा गिवेन है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बेसिकली हम कह सकते हैं 40%, तो ये 0.4 हो गया, और पी ऑफ बी बायो वाले 30% है तो 0.3 हो गया, और पी ए इंटरसेक्शन बी का डेटा 10% यानी 0.1 ये गिवेन है, 0.1। सो यहाँ से डायरेक्ट फॉर्मूले से पी ए यूनियन बी का वैल्यू आ जाएगा 0.4 प्लस 0.3 माइनस 0.1, तो 0.4 0.3 0.7 हो गया, माइनस 0.1 0.6 हो गया, तो 0.6 या इसी को बोला जा सकता है 60% प्रोबेबिलिटी है दैट सेलेक्टेड स्टूडेंट विल बी स्टडिंग मैथमेटिक्स और बायोलॉजी। तो यहाँ पे और वर्ड को भी सेटिस्फाई करते हुए जो स्टेटमेंट है मैथमेटिकली वो होता है ए यूनियन बी, वो हमने फाइंड कर लिया। सो दैट्स ऑल, आई होप यू अंडरस्टूड दिस वेल। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।